बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू करते पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। चुलबुल पांडे छोड़ देंगे अपनी खाकी वर्दी, आखिर किसने किया डायरेक्टर का सिलेक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त शीना आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्लॉट स्टूडियोज में। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। साल 2010 में एक ऐसी मूवी आई थी जिसने बॉलीवुड में पुलिस वालों का रुतबा ही बढ़ा दिया था, जिसने बॉलीवुड को एक्शन की नई परिभाषा सिखाई, जिसने फिल्म में आइटम नंबर की वैल्यू को बढ़ा दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं सलमान खान स्टारर दबंग सीरीज की। 2010 में दबंग का पहला पार्ट रिलीज हुआ था और तब से ही ये सिलसिला चलता रहा है। इस फिल्म का एक अलग ही फैन बेस है जो इसके गानों, कलाकारों की एक्टिंग और फिल्म की कहानी को बेहद पसंद करता है। वहीं ऑडियंस के इसी प्यार से मजबूर होकर मेकर्स ने इसका अगला पार्ट रिलीज करने का प्लान किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर दबंग की चौथी इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेगी, जिसके लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चौथी बार चुलबुल पांडे अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए बड़े पर्दे पर उतरेंगे और इस बार फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तिग्मांशु धूलिया। अगर आप तिग्मांशु धूलिया को फॉलो करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि ये डायरेक्टर अपनी फिल्म में पॉलिटिकल एंगल को ज़रूर डालते हैं, लिहाजा ये हो सकता है कि इस बार तिग्मांशु धूलिया हमारे चुलबुल पांडे को अपने ही स्टाइल में पेश करेंगे। दबंग के दो पार्ट्स में आपने पॉलिटिकल एंगल को देखा है, लेकिन इस बार धूलिया साहब इसे बिल्कुल ही नए तरीके से पेश करेंगे, लिहाजा हो सकता है कि इस बार आपको चुलबुल पांडे खाकी वर्दी की जगह खादी वर्दी में नजर आए। दरअसल तिग्मांशु धूलिया को डायरेक्शन की चाबी देने का आइडिया भी सलमान खान और उनके प्रोड्यूसर भाई अरबाज खान का था। इन्हीं दोनों भाइयों को ये लगता था कि तिग्मांशु धूलिया इस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो भारत के ग्रामीण दुनिया से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वैसे भी अब चुलबुल पांडे अपनी पुरानी वर्दी में ही नजर आएंगे या खाकी वर्दी में, ये तो स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद ही पता चलेगा। बता दें कि तिग्मांशु धूलिया ने हासिल, चरस, साहब बीवी और गैंगस्टर, पान सिंह तोमर और बुलेट राजा जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं अब सलमान खान की इस सुपर डुपर हिट सीरीज के अगले पार्ट का जिम्मा तिग्मांशु धूलिया के हाथों में सौंपा गया है। डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर फिल्म का डायरेक्शन तिग्मांशु धूलिया करते हैं तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। फिलहाल आज की हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि दबंग 4 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।